नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदय और आप देख रहे हैं एमएलटी लैब मैनुअल। तो आज हम लोग जानेंगे इसमें कि इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होता है और एंटीजन एंटीबॉडी में क्या अंतर है और कैसे ये जो है इम्यून सिस्टम काम करता है। तो जो इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल या जो ऑर्गन होता है उसका समूह होता है, जो हमारे बॉडी में घुसे हुए जो फॉरेन पार्टिकल होता है, जैसे कि एंटीजन या कोई बैक्टीरिया, वायरस या फंगस या पैरासाइट या कोई केमिकल हो गया या कोई टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी में बीमारी पैदा करने की कोशिश करता है। तो जो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसके अगेंस्ट जो होता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसको ख़त्म कर देता है, किल कर देता है और जो हमारी बीमारी से बचाता है। तो ये हो गया हमारा इम्यून सिस्टम, जिसके अंदर जो है आपका बोन मेरो, लिम्फ नोड हो गया, स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल्स, ये सब जो है इन्वॉल्व होता है, यानी कि वो सब जो होता है उसमें इन्वॉल्व होता है। और इम्यूनिटी जो होता है वो किसी हमारे शरीर को किसी भी बीमारी से बचाने की जो क्षमता होता है उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, यानी कि जो फॉरेन पार्टिकल जो हमारे बॉडी में घुसा है जो बीमारी पैदा करने की कोशिश करता है तो उसको कितना जो है कैपेसिटी हमारे बॉडी को पहचान कर उसको ख़त्म करने की है, तो वो होता है इम्यूनिटी, यानी कि जो बीमारी से बचाने की जो क्षमता होती है वो उसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। इम्यूनिटी अगर जितना स्ट्रांग होगा उतना हमारा जो बॉडी होगा बीमारी से बचा रहेगा, इम्यूनिटी कमज़ोर होगा तो हमें कई तरह की बीमारी होती रहती है। अब एंटीजन और एंटीबॉडी जो है क्या होता है, तो एंटीजन है यह एक प्रकार का बाहरी तत्व है, यानी कि फॉरेन एलिमेंट होता है, जो बैक्टीरिया भी हो सकता है या वायरस भी हो सकता है या फंगस, पैरासाइट या केमिकल कुछ भी हो सकता है जो बीमारी पैदा करने की कोशिश करता है एंटीजन। और ये जो एंटीजन होता है ये बैक्टीरिया और वायरस के सरफेस पर होता है, और जो ये जो एंटीजन होता है वो फिर पेप्टाइड और जो पॉलीसेकेराइड होता है उससे बना होता है। एंटीजन इम्यून सिस्टम को इंडिकेट यानी कि उसको उत्तेजित करता है कि जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, जो कोई फॉरेन पार्टिकल जब हमारे शरीर में घुसता है तो वो एंटीजन जो होता है वो एंटीबॉडी को इंडिकेट करता है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि इम्यून सिस्टम को वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए जो है स्टिमुलेट करता है। ये एंटीजन मेन होता है, एंटीजन का काम एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए होता है। वो एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन भी बोलते हैं और जिसको हम आईजी से डिनोट करते हैं। ये पांच प्रकार के एंटीबॉडी होता है और ये वाई शेप का एक प्रकार का स्पेशल प्रोटीन होता है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम द्वारा जो है प्रोड्यूस होता है, और ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि फॉरेन एलिमेंट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट या एंटीजन उसको पहचान कर उसे जो ख़त्म करने का काम करते हैं, यानी कि बीमारी से हमें बचाता है जो इम्यून सिस्टम द्वारा ये प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ब्लड में मौजूद लिम्फोसाइट द्वारा प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होता है उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, और लिम्फोसाइट जो होता है वो बोन मेरो में बनता है और लिम्फ नोड में मैच्योर होता है। और जो लिम्फोसाइट भी होता है दो प्रकार का होता है, बी सेल और टी सेल, यानी कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो जो बी लिम्फोसाइट होता है वो एंटीजन को पहचान करता है, और जो टी लिम्फोसाइट होता है यानी कि टी सेल जो होता है वो एंटीजन को किल करता है, उसको बाइंड करके अपने साथ उसको ख़त्म करने का काम करता है। तो बेसिकली जो एंटीबॉडी होता है वो WBC द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो लिम्फोसाइट होता है WBC का पार्ट उसके द्वारा, और बोन मेरो में जो है प्रोड्यूस होता है ये।